कॉन्टैक्ट वाला एएनएम है, ये लोग हमारे यहाँ बहुत दिन से है ना, गवर्नमेंट में जाकर गवर्नमेंट बहुत सारे हमारे 126 करीब के एनआरएचएम कर्मी है जो अनुबंध पर है, ये लोग अपना परमानेंट कराने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट के लिए, उसी के तहत ये धारणा दिया गया। और इसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने एक फॉर्मेट दिया, भर के हमको पूछा भी है कि भर के दीजिए आपके यहाँ कितना एएनएम है कॉन्ट्रैक्ट में, हमने भर के दे दिए हैं। इस पर गवर्नमेंट की ये तो गवर्नमेंट कर पाले की बात है, कितना दिन में उसको परमानेंट करती है, हमारे यहाँ से वैकेंसी लिस्ट रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ कितना इम्प्रूव है हम दे रहे हैं। उसके बाद इन लोग का प्रोसेस तो आपको लगता है चल रहा होगा, जैसे कि ये लोग इनिशिएटिव लिए हमसे डिटेल मांगा, इसका मतलब प्रोसेस चल रहा होगा। अब सरकार की बात है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उसी के तहत यह धारणा हो रहा है कि हम लोग को वर्षों से लटकाया जा रहा है, हम लोग को जल्दी परमानेंट नहीं दिया, क्या कि इसके पहले आरसीएच में जितने कर्मचारी थे लेफ्ट असिस्टेंट, उसके बाद आपका रेडियोलॉजिकल रेडियोग्राफर, उसके बाद जीएनएम एएनएम सबको आरसीएच करके जिसको लिया गया था सबको पिछले 20 साल पहले परमानेंट कर दिया गया। ये लोग भी चाहती है कि जैसे उन लोग परमानेंट थे उन लोग को परमानेंट किया। इसकी